बिलासपुर में एक बार फिर से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि मामले का खुलासा करते हुए उमेश कश्यप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने बताया कि आरोपी अजय सिंह और गज्जू स्वामी राजस्थान से हैं। इन दोनों आरोपियों ने मिलकर बिलासपुर के परिजात कॉलोनी निवासी सुनील कुमार बैंक मैनेजर को एके महिला ने खुद को एके फर्जी कंपनी का HR बताकर पार्ट टाइम जॉब का ऑफर दिया, छोटे छोटे टास्क पूरे करने की बात कही। इसके बाद महिला द्वारा गलत टास्क होने पर पीड़ित से पहले कम राशि जमा करने को कहा। धीरे धीरे पीड़िता से लगभग 15,04,850 रुपए की ठगी कर ली गई। दोनों गिरफ्तार आरोपियों से 5,00,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में होल्ड कराए गए हैं, साथ ही 1,27,000 पीड़ित को वापस किए गए। बिलासपुर पुलिस में रेंज स्तरीय जो साइबर थाना है उसमें एक साइबर फ्रॉड का अपराध दर्ज किया गया था, जिसकी जो है विगत दिनों में IG सर ने समीक्षा की थी और SP सर ने भी समीक्षा ली थी, जिस पर तत्काल एक टीम बनाकर भेजा गया था और फर्जी कंपनी का HR बनकर एक महिला के द्वारा एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति को फ़ोन किया गया था और उसको पार्ट टाइम जॉब करने के नाम पर उससे पैसे लिए गए थे। फिर धीरे धीरे उस पैसे की वापसी के नाम पर अधिक पैसा जमा कराया गया। ऐसा करते करते 15,00,000 रुपए लगभग की ठगी की गई थी, जिसमें राजस्थान में फ्रॉडस्टर्स के मोबाइल के IP और लोकेशन आ रहे थे, जिस पर टीम ने वहां से दो आरोपियों को गिरफ्तार करके लाया है और इसमें 1,27,000 जो है प्रार्थी को वापस कराए गए हैं और 5,00,000 का अमाउंट जो है वो फ्रीज कराया गया था। साथ ही इसके जो मास्टरमाइंड है, जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उसका भतीजा है, वो कतर में है और उसके लिए भी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। प्रार्थी से लगभग 15,00,000 की ठगी हुई थी, जिसमें से 5,00,000 होल्ड कराया गया था और 1,27,000 होल्ड में से उसको वापस मिल चुके हैं। किस तरह अपील करना चाहेंगे आप? इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी इजी मनी के लालच में ना आए। कोई भी जो है आपको बिना ब्याज के या आसान रूप में आपको बहुत पैसे नहीं दे सकता। किसी भी प्रकार से SEBI या RBI का कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा ब्याज दे दे, दुगना तिगुना पैसा करके दे दे या जल्दी बड़ा पैसा बना के दे दे, फ्री में पैसा दे दे, जैसा कि इस केस में है कि आप इंटरनेट में कुछ कंपनियों के रिव्यू देखो, उनको रेटिंग दो और आप पैसे ले लो पर उसके रिव्यू के आप 200 रुपये। ऐसा कोई भी कंपनी कोई भी ऐसा पैसा नहीं देता है, इसलिए किसी भी प्रकार से इजी मनी के लालच में ना आए। थैंक यू सर।